लकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर सेवन एंड वी आर गु टॉक अबाउट एथिकल लीडरशिप वेन वी टॉक अबाउट एथिकल लीडरशिप रिमेंबर दैट एथिकल लीडर्स यूज एथिकल मीन्स हमारा कंसर्न लीडरशिप के प्रस्पेक्टिव में सिर्फ आउटकम पर नहीं होगा वी नीड टू सी कि वो कौन से जराए हैं वो कौन से मीन्स हैं जिनसे हम अपने आउटकम वो अचीव कर रहे हैं सो द एंड्स वुड नॉट ऑलवेज बी देर टू जस्टिफाई द मीन्स एंड वी हैव टू सी के ऑल द रिसोर्स एज इनकॉर्पोरेटेड एज मीन्स शुड बी इन एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल लीडरशिप में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रस्पेक्टिव हर शख्स की जरूरिया हर शख्स के जो मामला हैं वो दूसरों से मुख्तफ हैं So, एक लीडर को एथिकल कंसर्न में तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है और हर शख्स पर इंडिविजुअल फोकस इंडिविजुअल तवज्जो वो देने की जरूरत है द थर्ड थिंग इन एथिकल कंसिडरेशन इज लीडरशिप इज लाइक टू एज सोर्ड बात जहां पर लीडर प्रमोट और सपोर्ट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को वहां पर बाजोकात लीडर जरूरत से ज्यादा अपना आप इंपोज भी कर सकता है सो देअर एथिकल कंसिडरेशन के तहत हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारा कौन सा मामला इस टेकन अज वैल्यूएबल और किस परस्पेक्टिव में हम सही तौर अपने फॉलोअर्स को रिप्रेजेंट वो कर सकते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इन केस ऑफ एथिकल कंसीडरेशंस देर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन कि द लीडर एंड द फॉलोअर शुड बी हैविंग अ टू वे परस्पेक्टिव कहीं पर नॉइज क्रिएट ना हो इन द कम्युनिकेशन कहीं पर कोई ऐसा मामला ना हो जो कि शेयर्ड में वो ना हुआ हो तो देअर शुड बी आ टू वे कम्युनिकेशन ताकि एक शेयर्ड शेयर में विजन मिशन वैल्यूज ये तमाम चीजें इनकॉर्पोरेट वो हो सकेदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इज दैट लीडर हैज सर्व एज ए सर्वेंट और जब हम लीडर एज ए सर्वेंट की बात करते हैं तो उसका उसकी इंटेग्रिटी उसके एथिक्स उसका लोगों के लिए अपने वक्त को मखसूस करना ये तमाम चीजें काउंट वो की जाएंगी सो द लीडर इज एक्चुअली देयर टू सर्व द पीपल दैट इज द दिन आइडिया इन द लीडर एज ए सर्वेंट इसी तरह एथिकल लीडरशिप के तहत हमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है दैट इज दैट लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड केयरिंग जब तक उसकी एम्पथी नहीं होगी जब तक वो कंसर्न के साथ लोगों के साथ काम नहीं करेगा जब तक कि वो लोगों के मामला को समझेगा नहीं तब तक वो एक ट्रस्ट की फिजा कायम नहीं कर सकेगा तो एथिकल कंसिडरेशन में लीडर का ऑनेस्ट और केयरिंग होना एम्पेटिक होना बहुत जरूरी है थिंग इज़ वो फेयरनेस को रूल बनाए वो जस्टिस को एस्टैब्लिश करे और जब तक फेयरनेस और जस्टिस नहीं होगा तब तक लीडर का ट्रस्ट लेवल वो शेक हो जाएगा इसी तरह लीडर इज देयर टू फॉलो द एथिकल स्टैंडर्ड्स अब वो एथिकल स्टैंडर्ड्स चाहे किसी डॉक्ट्राइन से आ रहे हैं चाहे किसी इजम से हुए हैं या किसी मजहबी पैमाने पर हुए हैं वी हैव टू सी के लीडर शुड बी एथिकल अब जिस भी ऑफ लाइफ से लीडर बिलोंग कर रहा है उसको उस ऑफ लाइफ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने आप को इस्टैब्लिश करना है और वहां के तकाजों के मुताबिक अपने फॉलोअर्स को वो लेकर चलना है अब चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो मजहबी लेवल हो या चाहे वो लेवल हो हर जगह पर हर सतह पर वहां के स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्टेब्लिश पैरामीटर्स के मुताबिक एक लीडर को एक्ट वो करना पड़ेगा एथिकल द राइट कंसर्न हैव टू पनिश द रोंग कंसर्न और जब तक वो राइट एंड रॉन्ग की तमीज को बरकरार नहीं रखेगा तब तक द लीडर इज नॉट देयर

वो अपना कायम नहीं रख सकेंगे अब जस्टिस भी जब हम डिस्कस करते हैं तो चाहे वो प्रोसीजरल जस्टिस हो या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो यू हैव टू बी फेयर यू हैव टू कम अप विद जस्टिस द लीडर शुड बी देयर टू शेयर द पावर तमाम ताकत को वो सिर्फ अपने तक महदूद ना रखे वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करे वो डिसेंट्रलाइजेशन के डिसूल को उसवाल करे वो दूसरों को भी सुने कि उनके पास क्या राय है और एन मुमकिन है कि उसके फॉलोअर भी बहुत क्रिएटिव आइडियाज के साथ वहां पर मौजूद हों। लाइक वाइज रोल क्लैरिफिकेशन को पेश करना उसके लिए बहुत जरूरी है किसका क्या किरदार है किसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से ऑपरेट करना है उस मकसद के लिए ओपन कम्युनिकेशन और रोल्स की डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है जब तक हम लोगों को रूल्स रेगुलेशंस और रोल्स ये डिफाइन नहीं करेंगे ये शेयर नहीं करेंगे तब तक ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आती जाएंगी और उससे क्लैरिटी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड अब लीडर और फॉलोअर के ताल्लुक में जो सबसे अहम चीज है दैट इज ट्रस्ट एंड दैट ट्रस्ट इज टेकन अप एज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप क्योंकि लीडरशिप में से अगर आप सिर्फ ट्रस्ट को निकाल दें तो देर वुड बी नथिंग लेफ्ट देर याद रखिएगा कि ट्रस्ट इज समथिंग जो कि एक लीडर के साथ फॉलोअर कायम करता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दैट अनदर विल नॉट दैट अनदर इज बेसिकली द लीडर दैट अनदर विल नॉट थ्रू वर्ड्स एक्शन और डिसीजन एक्ट अपॉर्चुनिस्टिकली के लीडर सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करेगा वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की बात नहीं करेगा बल्कि वो सबसे पहले फॉलोअर्स के जो हकूक हैं फॉलोअर्स की जो जरूरियात हैं उनको मद्देनजर रखेगा द लीडर शुड नॉट बी एक्टिंग एज ऑपरचुनिस्ट पर्सन तभी वहां पर ट्रस्ट का जो एक अमल है वो ब्रुएकार आएगा अब ट्रस्ट बेसिकली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स कंपिटेंस लीडर्स कंसिस्टेंसी उसमें कितनी मुस्तक मिजाजी है लीडर्स लॉयल्टी टू द टास्क टू ऑर्गेनाइजेशन टू द सोसाइटी लीडर्स ओपननेस ताकि वह हर चीज को प्रॉपर तौर पर वो शेयर करे और लीडर्स इंटीग्रिटी जब तक ये पांच इंग्रेडिएंट्स मौजूद ना हो द लॉक ऑफ ट्रस्ट वुड नॉट बी एंड द रिलेशनशिप वुड बी टेकन एज फॉर ग्रांटेड अब अगर हम इन डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट को देखें तो द फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी जिसमें ऑब्वियसली हमें लीडर का जो ट्रुथफुलनेस होना है वो रिक्वायर्ड है द सेकेंड इज कंपिटेंस कि उसकी जो काबिलियत है उसकी जो प्रोफिशंसीज हैं, उसकी जो कंपिटेंसी है वो मैक्सिमम हो ताकि वो पाया तकमील तक काम को पहुँचाने में मदद भी कर सके उसके पास नॉलेज हो लाइक वाइज उसकी मुस्तकिल मिजाजी हो उसके पास कंसिस्टेंसी हो और उसके जो अमल है उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी भी हो फॉलोअर्स इस बात का तयन कर सकें कि वट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप टेकन अप बाई द लीडर इज उसकी लॉयल्टी का होना उसकी विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट अदर्स का होना वो बहुत जरूरी है एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे कि ये सर्कल ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप स्टैब्लिश होता है दैट इज द ओपननेस जिसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट्स ना हो जिसमें कोई ढकी छुपी बातें ना हो जिसमें के एक फुल ट्रुथ सही तौर पर वो शेयर्ड हो तभी आपका जो ट्रस्ट है अपने फॉलोअर्स के साथ स्टैब्लिश वो हो पाएगा now there are certain basic principles of trust principles ke baghair the trust is not there to be established for example it is said that the mistrust drives out trust jab be-aitbari ka koi beej boya jayega to obviously usse aitbar ki jo fizaa hai wo qaim nahi hogi another important aspect we need to focus upon that trust begets trust aap dusron par trust karenge tabhi dusre aap par trust karenge The the third important principle in the trust category is that growth often masks mistrust. बाजुकात ये होता है कि जब इंसान तरक्की करने लगता है तो एतबार की फिजा शेकन हो जाती है उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि इंसान का फोकस मैक्सिमम अपनी डेवलपमेंट पर चला जाता है राधे दैन कि वो दूसरों को साथ लेकर चलने के ऊपर बात वो करे इसी तरह डिक्लाइन और डाउन साइजिंग टेस्ट द हाइस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट और बाज़ूकात जब ज़वाल का दौर हो वो भी एक बहुत अहम वक़्त होगा जब ट्रस्ट अज़माया जाता है बिकॉज़ ज़वाल में कौन आपके साथ है दैट इज़ द एविडेंस कि किसका आपके साथ एतबार का सही ताल्लुक वो मौजूद था लाइकवाइज़ ट्रस्ट इंक्रीजेस कोहेजन आपस में कोहेसिवनेस आपस में सिंक्रोनाइज़ेशन आपस में पैटर्ननाइज़ेशन आपस में सिनर्जी की फिज़ात तभी बन पाएगी जब वहां पर ट्रस्ट वो मौजूद हो अनादर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्ट जहां पर बेतबारी की फिजा हो वो लोग खुद ही तबाह हो जाते हैं उन्हें बैरूनीकत से तबाह करने की जरूरत नहीं द रीजन बींग्रस्ट है एक्चुअली वही वहां पर ऐसी फिजा कायम कर देता है जिससे कि वो लोग प्रोडक्टिव नहीं रहते लाइक वाइज याद रखिएगा कि मिस ट्रस्ट जनरेट एंड बेसिकली रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी और जेनरेट क्या करेगा दैट इज बेसिकली डिसनल प्रोडक्टिविटी और वो रिड्यूस क्या करेगा दैट इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिविटी सो मिस्ट्रस्ट इज समथिंग जिसकी वजह से लोग आपस में जब ट्रस्ट की फिजा नहीं होगी तो लेग पुलिंग बैक बाइटिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आपस में इन्वॉल्व होने वो शुरू हो जाएंगे अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो लीडरशिप पर्सपेक्टिव में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने फॉलोअर्स के साथ सही तौर ट्रस्ट का ताल्लुक वो कायम कर सकें जब ट्रस्ट की फिजा कायम होगी जब एतबार की फिजा कायम होगी तो ऑब्वियसली एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे थैंक यू